नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दोस्तों के लिए, सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए, माताओं के लिए। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने अग्रवाल प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स दीपक गोयल फिर एक बार आपके सामने अपना नए फ्लैट्स के लिए आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैंने अपना एक नया ऑफिस अभी इनॉग्रेशन किया है, न्यू आपके लिए। नियर बाय द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास है ये नया मेरा ऑफिस, अग्रवाल होम्स के नाम से। क्योंकि दोस्तों, सभी लोगों की बहुत डिमांड रहती थी कि आप कोई ऐसी हमारे को चीज़ या ऐसी कोई प्रॉपर्टी बताएं जो द्वारका मोड़ के पास हो, तो उसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और आज जो मैं आपको ये फ्लैट की जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे पास 122 गज के लैंड पे बना हुआ है। 122 गज का ये प्लॉटिंग है, उसके ऊपर हमने एक यूनिट पे दो फ्लैट बनाए हैं, एक 70 गज है और एक 52 गज है। तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी आप देखें, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी स्टेयर्स हैं। और स्टेयर्स के साथ एक ये मेरी यूनिट है, बैक साइड इसमें ये 52 गज है, और फ्रंट साइड जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ ये 70 गज है। 70 गज का आप फ्लैट देखेंगे, बहुत ही स्पेसियस है, बहुत ही बढ़िया फ्लैट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और बहुत ही रिजनेबल रेट्स पे है। मेट्रो स्टेशन से अराउंड 300 से 350 मीटर का इसका डिस्टेंस है, मैक्सिमम अगर आप मान के चलते हैं तो 400 मीटर। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद ये देखिए दोस्तों, एंटर करने के बाद ये हमारे को इसमें कॉरिडोर मिल रहे हैं, बहुत ही स्पेसियस है। 3.5-4 फुट का ये कॉरिडोर है, जिसमें हमने स्टार्टिंग के अंदर ये इंटरकॉम सेक्शन दिया है। यहाँ से आप गेट पर कोई भी आएगा तो आप देख सकते हैं या आप बात कर सकते हैं कि गेट के ऊपर कौन आया है। दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हम आ गए इसके फर्स्ट बेडरूम में। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेसियस बेडरूम है ये। आप इसका अगर डायमेंशन देखें तो अराउंड मान के चलो ये 12x11 के आसपास आपको बेडरूम साइज मिल रहा है इसके अंदर। क्योंकि 2BHK फ्लैट्स के अंदर इतने बड़े बेडरूम नहीं मिलते। ये आपने भी बहुत बिल्डिंग्स में, मेरी भी और भी आपने बिल्डिंग्स के अंदर देखा है कि इतना बड़ा बेडरूम साइज आपको नहीं मिलता। और प्रॉपर वेंटिलेशन, एसी स्प्लिट एसी की हमने फिटिंग्स दी है, वॉलपेपर लगाया है, बहुत ही सुंदर वॉलपेपर इस पे लगाया है। फॉल सीलिंग पूरे में कंप्लीट वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह सारा कंप्लीट वर्क में है। और दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसकी शॉफ्ट है ये वेंटिलेशन के लिए। हालांकि वेंटिलेशन की इतनी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि हमने स्प्लिट एसी के लिए भी आप देख सकते हैं पाइप इंस्टॉल किया हुआ है। सारी चीज़ें सोच समझ के की हैं कि पार्टी को या हमारे दोस्तों को जब भी कोई फ्लैट लेने आते हैं तो उनको वेंटिलेशन की कुछ ना कुछ समस्या ऐसी लगती है कि हो सकता है कि हमारे काम में कुछ कमियां भी लगती हो। लेकिन जो चीज़ हमारे को लगता है कि आज हमने ये काम किया है और इससे पार्टी सेटिस्फैक्शन पार्टी की नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जो भी बिल्डिंग बनाते हैं उसके अंदर बढ़िया से बढ़िया काम करें और सारी चीज़ों की क्वालिटी दें। कुछ चीज़ें मैं आपको वैसे बताना चाहूँगा जनरली, जैसे कि आप ये डोर देख सकते हैं, डोर भी आप देख सकते हैं, सनमाई का पेस्ट है इसके अंदर, और हैंडल्स लॉक्स वगैरह भी सारे दिए हुए हैं। और काम की क्वालिटी के बारे में तो बार बार बताना मेरे को लगता नहीं, लेकिन क्योंकि जो भी काम है हमारा हर बिल्डिंग्स के अंदर अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे चौखट आप देख सकते हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स के अंदर होता गया है चौखटें दी जाती हैं जो थोड़ा सा जो थोड़ी सी इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन हम जो देते हैं पूरी हैवी लुक में अच्छी बढ़िया पेंट, जिसके अंदर लुक भी अच्छी है और आगे के लिए भी फ्यूचर के लिए भी अच्छी रहे, तो वो सारा काम हम करते हैं। आइए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसकी मॉड्यूलर किचन, बहुत ही स्पेसियस है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें हमने सारा वुडन का वर्क बहुत ही अच्छा किया है और टॉल हाइटेड आप देख सकते हैं, पूरी हाइट तक हमने ये किचन ली है इसके अंदर। ये देखिए और भी आपने किचन देखी होंगी, उसमें हम ऊपर से स्पेस छोड़ते हैं, लेकिन इसमें हमने पूरा कवर किया है विद चिमनी। और मॉडलर किचन के अंदर खास बात यह है, ये देखिए बास्केट वगैरह सारी भी जो लगाई हैं हमने, सारी ब्रांडेड लगाई हैं, सारी कंपनी की हैं। बाकी उसके बाद आप ये देख सकते हैं सिंक वाला पोर्शन, ये देखिए सारी ब्रांडेड, सैनिटरी वर्क भी सारा ब्रांडेड है। आइए दोस्तों, मैं इसके बाद आपको इसका ड्राइंग स्पेस दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही स्पेसियस है। इसमें आप सिटिंग कर सकते हैं, और भी आपने काफ़ी चीज़ें काफ़ी वीडियोज मेरी देखी होंगी, लेकिन उसके अंदर ये वाला जो स्पेस है इसमें आप देख सकते हैं ये यू शेप में है, यू शेप में बहुत ही स्पेसियस है। करीब ये 15-16 फीट लेंथ है इसकी, और अगर आप इसकी ब्रिथ की बात करें तो करीब 12 फुट के आसपास ये है। तो ड्राइंग स्पेस भी बहुत ही स्पेसियस है,
जिसमें हमने ये वॉलपेपर लगाया, बहुत ही सुंदर वॉलपेपर है, और एसी इंस्टॉल किया है यहाँ पर, एसी की फिटिंग्स यहाँ दी है हमने। तो ड्राइंग रूम में भी कोई सफोकेशन, पूरा वेंटिलेशन आपको मिलेगा, जिसमें एक शाफ्ट भी हमने यहाँ दी है, शाफ्ट भी आप देख सकते हैं। हालांकि शाफ्ट की इसमें जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने वेंटिलेशन के लिए दिया, केवल लाइट्स वगैरह नहीं भी हो तो तब भी प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगा। फॉल सीलिंग की बात करें, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिजाइन की है, ये देखिए बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग है। उसके बाद मैं आपको इसमें एक चीज और दिखाना चाहूंगा, आप देखिए इसका एलईडी पैनल, सिंपल सोवर, बहुत ही सुंदर लुक में ये बनाया गया है। इसमें आप 32 इंच लगाए, 43-45 इंच लगाए, 52 इंच लगाए, जितना मर्जी बड़ा एलईडी पैनल लगाए, लगा सकते हैं आप आराम से, बहुत ही स्पेसियस है, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका दिखाऊंगा आपको वॉशरूम। वॉशरूम देखिए, ये कॉमन वॉशरूम हमने इसमें दिया है, कॉमन वॉशरूम भी बहुत ही स्पेसियस है, पूरा कंप्लीट वर्क के साथ है ये वॉशरूम। आप देखिए इसमें शीट्स वगैरह सब लगा दी गई है, सेंट्री वर्क हो गया है, और आप इसका वॉशबेसिन भी देखें, बहुत ही बढ़िया वॉशबेसिन। तो दोस्तों अब मैं दिखाऊंगा इसका आपको बेडरूम, सेकंड बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी आप देखें, क्योंकि 70 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर ये बनाया है, 2 BHK फ्लैट बनाया है। हालांकि इतने में 3 BHK भी हम लोग बना देते हैं, लेकिन ये 2 BHK हमने बनाया है, ये इसी डिमांड पर बनाया गया है। बहुत से क्लाइंट मेरे दोस्त चाहते हैं कि एरिया बड़ा होना चाहिए, उसमें 2 BHK फ्लैट होना चाहिए, तो वो सब आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग ही होता है। इसमें देखिए सेकंड बेडरूम के अंदर ये अलमीरा दी गई है, स्लाइडिंग डोर के साथ है ये देखिए, इसमें आप जितने मर्जी कपड़े वगैरह सब रख सकते हैं। दूसरा है, इसमें ये वॉलपेपर आप देखें, ये भी आप लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग है। अगर मान लो किसी भाई को, किसी दोस्त को अगर ये वॉलपेपर किसी को नहीं पसंद आता तो हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। उसमें भी आप ये देखें, इस बेडरूम के अंदर भी एसी स्प्लिट एसी की फिटिंग्स हमने यहाँ दी है। हालांकि हम चाहते तो विंडो एसी भी दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं दिया। इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने विंडो दी है। ये इसका एग्जिट गेट है, जिसमें हम बालकनी पर जाएंगे इससे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका दूसरा वॉशरूम, जिसमें हमने WC लगाई है। वॉशरूम बहुत बड़ा नहीं है सेकेंड वाला, लेकिन यह है कि यूटिलाइज होगा, आप देख सकते हैं फ्लैट के अंदर पूरा यूटिलाइज किया है स्पेस को, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये WC यहाँ दी है इसके अंदर। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी बालकनी। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ये बालकनी है, बालकनी स्पेस बहुत ही अच्छा है, इसमें करीब 4 फुट बाय 10 फुट के आसपास ये बालकनी स्पेस आपको मिल रहा है। और दूसरा क्या है कि आप यहाँ पे इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, यूटिलाइज होगा आपकी वॉशिंग मशीन लगा के, क्योंकि फ्लैट कितना भी बड़ा हो लेकिन उसमें दिक्कत एक ही रहती है, जो हमारी माताएं बहनें बताती हैं कि हमारे को वॉशिंग मशीन का स्पेस नहीं मिलता, लेकिन वॉशिंग मशीन का स्पेस इसमें प्रॉपर दिया गया है, टैप्स भी दी गई है, और फ्रंट पे ही आप देख सकते हैं SS की रेलिंग लगाई गई है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, अगर मैं इसकी रूफ पे जाता हूँ तो मेट्रो स्टेशन यहाँ से आपको सामने ही दिखाई देगा। मैंने जैसे आपको बताया 300 से 350 मीटर मैक्सिमम, मैं 150 मीटर आपको एक्स्ट्रा ही बता के चल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो है वही मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप इसका फ्रंट रोड भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऑन रोड प्रॉपर्टी यही है। आप देख सकते हैं एक बार, आप देखें ये सामने इसका फ्रंट रोड है, बिल्कुल सामने मेट्रो स्टेशन है, और सामने की लोकेशन, फ्लैट्स वगैरह सब बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया जेंडरी है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। उसके बाद मैं आपको अभी अपने दूसरे जो इसका बैक साइड का फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट, वो और आपको दिखाना चाहूँगा। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अपना दूसरा 2 BHK फ्लैट, जो बैक साइड में, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसमें भी सेम जैसे हमने एंटर किया सेम कॉरिडोर है। कॉरिडोर भी आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेसियस है, अराउंड 4 से 4.5 फीट का है ये। उसके बाद आइए मैं आपको फर्स्ट बेडरूम में लेके चलता हूँ। फर्स्ट बेडरूम के अंदर भी बहुत ही स्पेसियस है, सेम वही वर्क है, वही सारी चीज़ें हैं, AC इंस्टॉल किया है, वॉलपेपर लगा है, लाइटिंग्स वगैरह भी आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट वर्क में है। ये शाफ्ट है वेंटिलेशन के लिए, आप देखिए काम के बारे में फिर मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। स्विचेस वगैरह सारे ब्रांडेड हैं, सनमाइका पेस्ट की गई है दरवाजों पे, वुडन वर्क सारा अच्छा है। आइए दोस्तों उसके बाद मैं आपको इसके लिविंग स्पेस में लेके चलता हूँ, ड्राइंग स्पेस के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। ड्राइंग स्पेस के अंदर ये जो हमने स्पेस दिया है किचन के ठीक सामने दिया है, किचन के ठीक सामने ये स्पेस दिया है, जिसमें आप अपना यहाँ सोफा इंस्टॉल कर सकते हैं। सोफा आपका L-शेप में सोफा लग जाएगा,
और दूसरी चीज देखिए, आप सामने ही एलईडी पैनल है, एलईडी पैनल आप बैठ के यहाँ से अपना एलईडी इंस्टॉल करें, एलईडी लगाएं, तो और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया फ्लैट्स है, लाइटिंग वगैरह सारा आप देख सकते हैं। एसी का प्रोविजनल हमने यहाँ पे भी दिया है, एसी इंस्टॉल यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग स्पेस में एसी की बहुत ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको अब इसकी दिखाऊंगा, किचन, किचन भी आप देख सकते हैं, लाइव किचन है, बिल्कुल मॉडलर, बहुत ही बढ़िया सुंदर लुक के अंदर ये बनाई गई है। एसी सॉरी, इसमें चिमनी हमने यहाँ इंस्टॉल की है, वुडन वर्क जैसा आपने उस फ्लैट में देखा सेम वही है, सारा काम वही है, सैनिटरी वर्क वही है, हर चीज़ बहुत ही बढ़िया बनाई गई है। उसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा इसका कॉमन वॉशरूम, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी टाइलिंग के साथ एंटी स्किड टाइल्स हैं, नीचे फ्लोरिंग में भी कोई फिसलने का नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी लुक के अंदर टाइल्स हैं, आप देखिए। दूसरी चीज़ अब आप आइए इसमें बैक साइड का, इसका मैं बेडरूम आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप इसका बेडरूम, इसमें हमने एक अलमीरा दी है, ये देखिए बहुत ही अच्छी अलमीरा है, बहुत ही स्पेसियस, बहुत ही बढ़िया वुडन की लुक में, बहुत ही बढ़िया अलमीरा है, सनमाइका पेस्ट की गई है इसमें। दूसरा आप देखिए इसका वॉलपेपर, जो बहुत ही सुंदर डिजाइन के अंदर है, और वेंटिलेशन की इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस फ्लैट्स के अंदर, आप देखिए। इसमें हमने यहाँ पे एसी के लिए, विंडो एसी के लिए ये विंडो दी है, बहुत ही लॉन्ग हाइट के अंदर ये विंडो है, आप जब चाहें इसको भी खोल सकते हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर मिलेगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा इसकी बालकनी, बालकनी में आप अपनी वॉशिंग मशीन लगाएं या बालकनी पर खड़े होकर बाहर का नज़ारा लें, बहुत ही बढ़िया बालकनी है, और फ्लैट जरूर छोटा है लेकिन बहुत ही स्पेसियस बना है। तो ये फ्लैट जो हमारा 52 गज के अंदर है, बैक साइड का फ्लैट है, और आपके रिजनेबल रेट्स के अंदर ये फ्लैट्स आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। प्लीज़ दोस्तों आप आएँ और आके एक बार विजिट जरूर करें हमारी इस प्रॉपर्टी को। धन्यवाद, राधे राधे।